इतनी सी देर के लिए तुझसे मेरा पोता नहीं संभाला गया और उंगली काट के रख दी। पापा जी, मेरे से गलती हो गई। आपको तो पता है ना कि बाहर कितनी तेज हवा चल रही है। बस कर, अपनी गलती को ना हवा के मथे मत मंड। ना तू बच्चा संभाल सकती है, ना तू ये घर संभाल सकती है। क्या हुआ पापा, आपने अर्जेंट कॉल करके क्यों बुलाया मुझे? अब आ गया मेरा बेटा, अब ये बताएगा तुझे। पूछ इससे। क्या हुआ, बताओगी? वो क्या हुआ वो? अरे बेटा, इसने प्रणव की उंगलियां काट दी है, वो भी दो दो गेट में देखकर। बेटा मैं थोड़ी देर के लिए बाजार किया गया, इसके भरोसे बच्चे को छोड़ गया था और इसने ये कांड कर दिया। ये तो शुक्र है कि दो उंगलियां कटी है, नहीं तो ये तो पूरा हाथ ही काट देती। तेरे पर एक बच्चा नहीं संभाला जाता क्या? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बेटे पे हाथ उठाया? अच्छा, आपका बेटा बेटा है और मैं किसी की बेटी नहीं हूँ? शायद आपने ढंग से देखा नहीं, पहले हाथ आपके बेटे ने उठाया मुझ पे। हाँ, गलती करेगी ना, ऐसे ही हाथ उठाएगा वो। गलती? अरे कौन सी गलती, प्रणव ना बच्चा है और भागता खेलता है दौड़ता है, लग जाती है उसको चोट। और पापा जी, जब आप प्रणव के साथ खेलते हो उठते बैठते तब भी तो उसको बहुत बड़ी चोट लगी है, लेकिन तब तो इन्होंने आपके ऊपर हाथ नहीं उठाया। और हाथ उठाना तो दूर की बात है, इन्होंने तो आज तक आपसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है। अच्छा, अब तू ये चाहती है कि मेरा बेटा बाप पे हाथ उठाए? अगर बाप पे हाथ नहीं उठा सकता ना, तो बीवी पे भी नहीं उठा सकता। अगर आदमी औरत पे हाथ उठाए ना, कोई बात नहीं है, पर हाँ, औरत अगर आदमी पे हाथ उठाए तो ये बड़ी शर्म की बात है। वाह पापा जी, क्या सोच है आपकी। अगर आपके बेटे ने बहू पे हाथ उठा दिया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा काम किया उसने। अगर मेरी बहू ने हाथ उठा दिया बेटे पे तो बेटी की इज्जत गिर गई, बहू ने गलत काम कर दिया। वाह पापा जी वाह। देख, तू ये भूल मत, तू इस घर की बहू है और इसकी तू बीवी है, और इस तरह तू हाथ नहीं उठा सकती इस पर। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप लोग कैसे भूल गए कि मैं भी ना इस घर की बहू हूँ, इनकी पत्नी हूँ, और ना शादी करके लेकर आए हैं आप लोग मुझे, कोई खरीद कर नहीं लेकर आए हैं। हाँ, ये तेरे बाप का घर नहीं है, ये हमारा घर है और हम जैसा चाहेंगे वैसे तुझे रहना पड़ेगा। तो एक बात बताइए मुझे, तो हम लड़कियों का घर होता कौन सा है? हमारे माँ बाप वाला घर होता है या जहाँ हम शादी करके जाते हैं वो वाला घर होता है? तो इसका मतलब ये कि हम लड़कियों का कोई घर होता ही नहीं है, क्योंकि आज मैंने बिना गलती करे अगर आप मुझे सुना सकते हैं, मार सकते हैं, और जब कभी अगर मैंने गलती भी कर दी तो तब तो आप मेरे साथ क्या करेंगे, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता है। आप तो मुझे जान से ही मार देंगे, है ना? आई एम राइट? और अनुन, हाँ, प्रणव ना मेरा भी बच्चा है, 9 महीने मैंने उसको अपनी कोख में पाला, उसको बड़ा किया है, उसको पैदा मैंने किया है, और आज जब उसको लगी ना तो सबसे ज्यादा दर्द मुझे हुआ। मुझे पता है, जब मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर जा रही थी वो कितना रो रहा था, दर्द उसको हो रहा था तो तकलीफ मुझे भी हो रही थी, आंसू मेरे भी बह रहे थे। अरे बच्चा है वो मेरा। लेकिन पता है, गलती ना मेरी है कि मैंने ना बहुत जल्दी शादी कर ली। पहले ना मुझे अपना करियर सेटअप करना चाहिए था, कोई घर खरीदना चाहिए था, पैसे कमाने चाहिए थे, गलती मेरी है। उसके बाद मुझे सोचना चाहिए था कि मुझे शादी करनी भी है कि नहीं करनी। लेकिन सिर्फ मुझे ही नहीं, हर लड़की को ऐसा ही करना चाहिए। हर लड़की को ना पहले अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, सेटल हो जाना चाहिए और अपना घर खरीद लेना चाहिए। जो आज मैंने गलती करी है ना, मैं नहीं चाहती कोई और लड़की करे, क्योंकि जब शादी हो जाती है ना तो यही ताने सुनने को मिलते हैं कि तेरे बाप का घर है क्या। अगर हर लड़की अपने पैरों पे खड़ी हो जाए ना तो उसको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब वो अपना घर खरीद ले। और एक और बात, कल से क्यों, अभी से आप दोनों ने डिसाइड कर लीजिए कि आप दोनों में से घर का काम कौन करेगा, क्योंकि मैं इस घर का काम करूंगी नहीं, क्योंकि ये घर मेरा है ही नहीं, तो मैं इस घर का काम क्यों करूं। और हाँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से, और अब मैं पहले अपने करियर पे फोकस करूंगी, सेटल होंगी, पैसे कमाऊंगी और अपना घर खरीदूंगी। और मैं प्रणव को भी यहाँ से लेकर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे आप दोनों की ना कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर तक पहुंच जाएंगे,